अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो का आपने आइडिया पढ़ लिया होगा, तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपका जो इंस्टाग्राम का जो अकाउंट होता है, अगर वो बैन हो जाए तो आप उसको कैसे अनबैन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो पहली बात तो ये कि हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट बैन होता क्यों है। पहले तो हम इसकी रीज़न डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगर आपका अकाउंट बैन नहीं हो तो आपको पता हो कि आप ये चीज़ें ना करें ताकि आपका अकाउंट बैन ना हो। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो ये है कि आप अपने जो इंस्टाग्राम है उसके फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आप इलीगल वे यूज़ करते हैं। जैसे कोई ऐप वगैरह यूज़ कर लिया है, उस पर 10-10 आपको फॉलोअर्स रोज़ के मिल जाते हैं उनके एड्स वगैरह देखने से। ये सारा होता है इलीगल होता है। इसको यूज़ करने के बाद अगले दिन आपका अकाउंट बैन हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो अकाउंट ऑटोमेटिकली बैन हो जाता है आपका। और इसके अलावा अगर आप किसी अब्यूज़ कंटेंट, आप ऐसी वीडियो यूज़ करते हैं जिसमें आपकी अब्यूजमेंट्स इंक्लूड होती हैं, या फिर आप ऐसे कैप्शन डालते हैं जिसके अंदर आप ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं जो कि उनके खिलाफ होते हैं, मतलब कुछ वर्ड उन्होंने स्पेसिफिक कर रखे होते हैं जिनमें अब्यूजमेंट्स वगैरह के वर्ड्स आ जाते हैं, या दूसरे वर्ड आते हैं जो इंस्टाग्राम ने अगर यूज़ किए होंगे, आप उन वर्ड्स की टाइप करेंगे तो आपका जो है अकाउंट बैन हो सकता है, चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आप ट्राई किया करें कि इन चीज़ों को ना ऐड किया करें, और जो फेक इलीगल वेज होते हैं फॉलोअर्स बढ़ाने को उनमें ना पड़ा करें। अगर आपने फॉलोअर्स बढ़ाने भी हैं इलीगल वे से, तो मैं आई बटन ऑप्शन देता हूँ आपको। वहाँ पर आई बटन शायद वीडियो नजर आ रही होंगी, या फिर मेरे चैनल पर जाकर देख लें। मेरे दो वीडियो बना रखी मैंने, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉलोअर्स बढ़ाने की, तो अलग टॉपिक हो जाता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, आप वहीं जाकर समझ लीजिएगा उन वीडियोज़ में। ठीक है, तो आज की वीडियो की बात करते हैं हमारी जो इंस्टाग्राम अकाउंट हमारा बैन हो चुका है, तो हम इसको अब अनबैन कैसे करें। ठीक है, आपको पता कैसे लगेगा कि आपका अकाउंट बैन हो चुका है? बैन होने के दो चीज़ें होती हैं जिनसे हम पता लगता है कि हमारा अकाउंट बैन हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका हमें कैसे पता लगता है कि हम अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करते हैं, तो ऐप में जब ओपन करते हैं तो आता है हमें कुटन रिफ्रेश फीड। आपकी जो फीड होती है वो रिफ्रेश नहीं होती, ना आप किसी को मैसेज कर सकते हैं, ना आपकी वो फीड जो होती है रिफ्रेश हो सकती है टाइम लाइन वगैरह। ठीक है, और जो दूसरी इसका चीज़ है जिससे हमें पता लगेगा वो ये है कि हमारा जो अकाउंट है, अगर हम किसी और अकाउंट से अपने अकाउंट का यूज़र नेम सर्च करेंगे तो वो उसको शो नहीं करेगा सर्च बार में कि आप कैसे दिन हम कोई अकाउंट था पहले या नहीं था। ठीक है, तो ये दो चीज़ अगर आपको शो हो रही है तो आपका अकाउंट बैन हो चुका है। ठीक है, कुछ यूज़र के पास न्यूज़ फीड का प्रॉब्लम आता है, कि कुटन रिफ्रेश फीड का प्रॉब्लम आता है, वो समझते हैं कि हमारा अकाउंट बैन है। अगर बैन है तो आपका अकाउंट सर्च में नहीं आएगा किसी दूसरे अकाउंट से। अगर सर्च में आ रहा है और आपका कुटन रिफ्रेश फीड भी नहीं हो रहा, ठीक है, सर्च में आ रहा है कुटन रिफ्रेश फीड नहीं हो रहा, तो आपकी दूसरी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वो आई बटन में ऑप्शन दे देता हूँ वीडियो में, तो उस वीडियो को देखें आप, वहाँ से जाकर आप वीडियो देखें और वहाँ से मुझे श्योरिटी है कि आपको वो सॉल्व हो जाएगा। आप अगर इस वे को भी आप पहले उस तरह से देख लीजिएगा, अगर वहाँ से सॉल्व हो जाते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड है। नहीं तो बहुत ईजी भी है इसको अनबैन करने का। क्या करना है आपने, ये ना आपने सबसे पहले तो जाना है अपनी सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपकी जो प्रोफाइल में जाने के बाद आपके ऊपर 3 डॉट्स होंगे मैंने, मतलब मोर ऑल ऑप्शन क्लिक करना है। वहाँ क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाना, सेटिंग आने के बाद आपने जाना अकाउंट में। अकाउंट जाने के बाद वहाँ पर होगा रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन। ठीक है, आपको यहाँ स्क्रीन नज़र आ रही होगी, रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको वो शो कर जाएगा कि आपके अकाउंट में क्या मसला था, किस वजह से बैन किया, आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, इसलिए वो जो रीज़न होगी वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर नीचे ओके पर दबाएंगे जैसे ही आपका अकाउंट अनबैन हो जाएगा। बस यही तरीका था, बहुत ईजी वे था इसको अनबैन करने का। आप किसी भी दूसरी वीडियो को फॉलो ना करें, वो मुफ्त में आपको बहुत प्रॉब्लम में डाल देंगे। इस इजी वे को अपना दे, उम्मीद है इस वजह से ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप फिर भी ना हो तो आप इंस्टाग्राम वालों को ईमेल कर दें, या ईमेल करने से पहले आप ये वे आजमा लीजिएगा, मुझे श्योरिटी है कि ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, और कुटन रिफ्रेश फीड वाली जो वीडियो उसको भी देख लें, वो वाला भी ट्रिक भी लाजमी कीजिएगा। ठीक है, ये तो ट्रिक कीजिएगा, मुझे 99% श्योरिटी है कि आपकी वीडियो ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो यही था आज की वाली वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।